हाय दोस्तों, मैं आशुतोष, आपका आशुतोष ट्यूटोरियल चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होती है। कल हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो रेजिस्टेंस भी क्या है, एक कंपोनेंट का पार्ट ही है। जैसा कि हमने कल बताया था कि जो कंपोनेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पैसिव कंपोनेंट और दूसरा होता है एक्टिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, वे वैसे घटक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का प्रवर्धन आसानी से नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते, वो निष्क्रिय घटक कहलाते हैं, यानी पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं। सक्रिय क्या होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, एक्टिव कंपोनेंट वे कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का प्रवर्धन आसानी से कर सकते हैं। और वो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। बहुत पहले काफी मतलब कम से कम 20-25 साल पहले आप लोग देखे होंगे कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। जब हमारे देश में या पूरे विश्व में जब पहला कंप्यूटर बना था तो वो एक बहुत बड़े कमरे के बहुत बड़ा एक रूप था उसका, बहुत बड़ा कमरे के बराबर होता था वो, और वो वैक्यूम ट्यूब पे डिपेंड करता था, वैक्यूम ट्यूब उसमें लगी रहती थी और किसी भी काम को बहुत ही मतलब माइनर बहुत धीरे धीरे करता था वो। जैसे हमें कैलकुलेशन करना होता था तो बहुत ही आराम से करता था, मतलब हम लाखों संग गणनाओं को तो कर सकते थे पर एक तरीके से उसमें टाइम लगता था काफी ज्यादा। पर आज इतनी ज्यादा मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो चुकी हैं कि आप छोटे से डिवाइस में आपको बहुत ज्यादा चीजें रहती हैं। जैसे आप मोबाइल ही देख लीजिए, मोबाइल में क्या क्या होता है, जैसे आप गाने भी सुन सकते हैं, एक साथ मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, किसी आईसी जो होती है वो उसमें काफी ज्यादा रेजिस्टेंस वगैरह सब होती है, तो काफी कंपोनेंट का वो क्या होता है कैलकुलेशन होता है उसमें, काफी ज्यादा जो भी मतलब बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जिसको मिला के आईसी बनती है, उसकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है जैसा आप देखते होंगे। और जैसे 16 GB की आती है, 32 GB की मेमोरी चिप मार्केट में उपलब्ध, जैसा हमें रिक्वायरमेंट है उसके साथ हम ले सकते हैं। तो क्या मैंने आपको बताया था पैसिव कंपोनेंट, निष्क्रिय घटक वे घटक होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का प्रवर्धन नहीं कर सकते। उसमें जैसे क्या क्या थे कंपोनेंट, रजिस्टर था, कैपेसिटर था और इंडक्टर था, यानी कि रजिस्टर यानी प्रतिरोधक, कैपेसिटर यानी संधारित्र और इंडक्टर यानी कि प्रेरक। तो हम उसी में आइए जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का विरोध करे, जो मतलब करेंट का जो भी विरोध करता हो, इसे हम क्या कहते हैं, इसको इसकी सिंबल ये होती है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको जिग-जैग फॉर्म में दिखाते हैं, ये रेजिस्टेंस होता है। और ये ग्रीक वर्ड में इसका एक सिंबल होता है, ग्रीक वर्ड में इसको ओम कहते हैं, ओम, और इसकी सिंबल ये होती है। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड में क्या होता है, ओम होता है, और इसको हम हमेशा जिग-जैग फॉर्म में दिखाते हैं ये रेजिस्टेंस। इसका काम क्या होता है, आइए हम आपको एक फिगर से बताते हैं कि रेजिस्टेंस का वर्क कैसे करता है। जैसे मान लीजिए एक नली लेते हैं, जैसे एक पाइप लेते हैं, उसमें क्या करते हैं धारा का प्रवाह करते हैं, जैसे हम पानी देते हैं और बीच में उसको क्या करते हैं दबा देते हैं थोड़ा सा, अगर उसको दबा देंगे फिर पानी वहां कम फ्लो होगी। तो किसी भी सर्किट में जितनी भी ये क्या करते हैं प्रोटेक्ट द सर्किट, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए। हमें जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें जितनी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की आवश्यकता होती है, वो रेजिस्टेंस क्या कहते हैं जितना हमें चाहिए उतने का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, उसके हिसाब से वो हमें देता है, आगे इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड कराता है। देखिए, और जो रेजिस्टेंस होती है, जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, ये ये जो होती है एक इसमें दो सीरीज में रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, और ये हमेशा अगर हम चाहें तो बीच में एक डिवाइडर लगा के और हम इसका अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये वोल्टेज डिवाइडर लगा रहता है, इसको हम वोल्टेज डिवाइडर करंट फ्लो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर होता है और इससे हम अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों का। ये वोल्टेज डिवाइडर होता है, फिर इसी में हम बताते हैं आपको एक क्या होता है, जैसे हम इसको पैरेलल में लगा देते हैं तो ये क्या करता है करंट डिवाइडर
के फॉर्म में होता है। ये क्या करता है, करंट डिवाइडर, इससे हम ये वोल्टेज डिवाइडर होते हैं, करंट डिवाइडर होता है, ठीक है। जब भी हम जानते हैं रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं, अभी ग्रीक वर्ड ओम, ओम से इसको डिनोट करते हैं। दूसरी चीज आप ये भी जान लीजिए कि रेजिस्टेंस जो होता है धारा प्रवाह को रोकता है, साथ साथ ही होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये भी पहला मैंने कल ही बताया था आपको, एक होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। सेकेंड होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स मतलब जो निश्चित, जिसके रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, जैसे हम एक ओम का रेजिस्टेंस है तो एक ही ओम का रहेगा, और उसको मैं बोल दूंगा फिक्स रेजिस्टेंस देना, उसकी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी कि ना तो ऊपर के मिलेगा, उसकी टॉलरेंस नहीं होगी, तो फिक्स रेजिस्टेंस मिलती है मार्केट में। वेरिएबल रेजिस्टेंस में मिलती है, जैसे पोटेंटोमीटर, रिस्टेट, ये सब क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। लेकिन मुख्यतः हम लोग फिक्स रेजिस्टर का यूज करते हैं, क्योंकि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो काफी टिकाऊ भी होता है और अच्छा भी होता है, वो सर्किट को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही मदद करता है। दूसरी चीज आई एम एम, जैसे उसके बाद हम ये रेजिस्टेंस होगी, अब आपको बताते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। जो प्रतिरोध के, जिसके अंदर प्रतिरोध का गुण होता है वो क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो रेजिस्टिविटी, जैसे मान लीजिए किसी चालक की लंबाई, किसी चालक की लंबाई एल मीटर, ये क्या है, चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई एल मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका, तो इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध R इक्वल टू रो एल बाई ए, इससे हम डिफाइन करते हैं अनुप्रस्थ काट, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ ऑफ ए। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो जहां क्या है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, एल क्या है, लेंथ है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सेक्शनल। हम इसकी नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, फिर आप उस, इसको मैं आपको बता देता हूँ और पीडीएफ फाइल में दे दूंगा, तो फिर आप लिख लीजिए, क्योंकि इसमें अगर मैं लिखने लगूंगा एक चीज तो फिर आप, आपके लिए बहुत मुश्किल होगी और टाइम भी काफी ज्यादा लगता है, इसलिए मैं आपको पीडीएफ फाइल दे दूंगा। और देखिए, जैसे अब मान लीजिए धारा के मार्ग में, जैसे कोई धारा के मार्ग में जब भी कोई बाधा उत्पन्न करती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती, मतलब लॉस होगी, तो उसके लिए क्या होता है, जब उसमें उत्पन्न होगी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी ये क्या होती है, करंट धारा का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। जब भी जो भी हीट उसमें उत्सर्जित होती है हम उसकी वैल्यू यहां से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जानते हैं कि प्रतिरोध की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कैसे हम जानेंगे कि अच्छे क्वालिटी का है और कैसे जानेंगे कि ये खराब है, ठीक है, हम इसके बारे में अब आपको बताते हैं कि रेजिस्टेंस की जो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टेंस जो भी, फिर आप रेजिस्टेंस का, जैसे पहला रेजिस्टेंस का मान,
चलाना मत। इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी इसका मतलब होता है हम इसकी विशेषताएं कैसे जानते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस बेहतर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, कैसे पता करेंगे। तो हमें उसके लिए कुछ मानक हमारे लिए निर्धारित की गई है जिसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे प्रतिरोध का मान, यानी प्रतिरोधक कितना प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, इसकी इकाई ओम मीटर में या फिर किलो ओम या मेगा ओम में होती है। जैसे एक किलो ओम बराबर 10³ ओम होता है, 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁶ ओम। इसको हम इससे दर्शाते हैं, यानी कि हम प्रतिरोध का मान कैसे निर्धारित करते हैं, प्रतिरोध का मान यानी प्रतिरोधक कितना प्रतिरोध उत्पन्न करता है, इसकी इकाई ओम में होती है और इस या फिर किलो ओम में, फिर मेगा ओम में होती है। जैसे 1 किलो के बराबर होता है 10³ ओम, 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁶ ओम। यह बताता है कि यह मान या तो प्रतिरोध पर लिखा होता है या कलर कोड द्वारा इसे व्यक्त की जाती है, ठीक है। प्रतिरोधक का मान तो मैंने बताया, उसके बाद आप आइए टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस के बारे में जाते हैं। जब भी प्रतिरोधक, किसी भी प्रतिरोधक की सहनशीलता यह बताता है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या कितनी हो सकती है। ये इसकी जैसे जो भी अपने अधिकतम मान निर्धारित होती है वो कितना विचलित हो सकता है, जैसे कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस है जिसकी टॉलरेंस 10% है, 10% अगर इसकी टॉलरेंस है तो जो इसकी वैल्यू होगी या तो 90 होगी, 90 किलो ओम, या फिर 110 किलो ओम के बीच में कुछ भी हो सकती है, 90 से लेके 110 किलो ओम के बीच में कुछ भी हो सकती है। फिर जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर इसकी टॉलरेंस ±20% है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 80 किलो ओम से लेके 120 किलो ओम के बीच में कुछ भी हो सकती है, मतलब इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। 80 किलो ओम से लेके 120 किलो ओम के बीच में इसकी कैपेसिटी होती है, मतलब ये जितनी इसकी जरूरत तो पड़ेगी हम इसको यूज कर सकते हैं। हमें 90 किलो ओम की जरूरत पड़ेगी तो हम या तो फिर 10 वाला ले लेंगे, फिर या 20% वाला ले लेंगे तो उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है पावर रेटिंग, ठीक है। पावर रेटिंग करना है तो आपको ये पता चल गया कि सहनशीलता क्या होती है, टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस वे होते हैं जैसे प्रतिरोधक की सहनशीलता का मान जितना कम होता है उतना ही उसके निर्धारित मान से विचलन कम होगा तथा उतना ही वो बेहतर प्रतिरोधक उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी सहनशीलता। अब आते हैं, आपको बताते हैं पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होता है? पावर रेटिंग प्रतिरोधक की वह अधिकतम पावर होती है, किसी प्रतिरोधक की वह अधिकतम पावर होती है जो प्रतिरोधक सुरक्षित रूप से बेयर कर सकता है। कार्बन, जैसे कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक की जो होती है 1/8 वाट, 1/4 वाट, 1/2 वाट, 1 वाट, 2 वाट, ये इसकी पावर रेटिंग होती है कार्बन कंपोजिशन की पावर बोलेंगे। कंपोजिशन की पावर रेटिंग होती है क्या होती है, 1/8 वाट, 1/4 वाट, 1/2 वाट, 1 वाट 2 वाट, इतनी तक किसको की कार्बन। पर वायर वाउंड की जो पावर रेटिंग होती है वो काफी ज्यादा यूज होती है, काफी ज्यादा होती है, तो हम इसलिए उसका बहुत कम यूज करते हैं वायर वाउंड को। ये तो पावर रेटिंग हो गई। आइए हम बताते हैं आपको वोल्टेज रेटिंग क्या होता है। अब वोल्टेज रेटिंग के बारे में, तो वोल्टेज रेटिंग क्या होता है, हम पावर रेटिंग के बारे में जान गए और सहनशीलता के बारे में जान गए, प्रतिरोध का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जैसे 1 ओम, 1 किलो ओम भी हो सकती है, 1 मेगा ओम भी हो सकती है, टॉलरेंस भी मैंने आपको बताया, पावर रेटिंग। अब आइए आप पता करते हैं वोल्टेज रेटिंग क्या होता है। तो प्रतिरोधकों के सिरों पर लगने वाली वोल्टेज, यानी कोई प्रतिरोधक है उसके सिरों पर लगने वाली वोल्टेज भी एक उच्च सीमा होती है, मतलब कि
अब इतना ज्यादा हम किसी चीज को वोल्टेज नहीं दे देंगे कि वो ब्लास्ट कर जाए, तो उसकी भी एक उच्च सीमा होती है जिसे वोल्टेज रेटिंग कहते हैं। ठीक, जैसे कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधकों के लिए 150 वोल्ट होता है, कार्बन कंपोजिशन कंपोजिशन रजिस्टर के लिए 150 वोल्ट की वोल्टेज रेटिंग होती है, 1/8 वाट प्रतिरोधक की, प्रतिरोधक की 150 होती है। उसके बाद 250 होती है 1/4 वाट की, 500 वोल्ट होती है 1/2 वाट की। ठीक, ये क्या है, वोल्टेज रेटिंग है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की। अगर वो 1/8 वाट प्रतिरोधक की है तो उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, 150 वोल्ट। अगर वो 1/4 वाट की उसकी वोल्टेज रेटिंग है, पावर रेटिंग है, तो उसके लिए 250 वोल्ट की वोल्टेज रेटिंग होगी। और अगर 1/2 वाट उसकी पावर रेटिंग है तो उसके लिए 500 वोल्ट की वोल्टेज रेटिंग होगी। ठीक, और वोल्टेज रेटिंग की गणना हम कैसे कर सकते हैं, तो गणना के बारे में हम आपको बता रहे अंडर रूट डब्ल्यू आर से करते हैं। ठीक, जैसे 1/4 वाट की और रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें अगर 10 किलो ओम दिया हो किसकी, 100 किलो ओम कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की तो इसकी अधिकतम वोल्टेज सीमा क्या होगी, अंडर रूट डब्ल्यू आर, यानी कि अंडर रूट 1/4 इंटू 100 इंटू 10 के पावर 3, यानी 160 वोल्ट। ये क्या हो जाएगी, इसकी अधिकतम पावर रेटिंग वोल्टेज रेटिंग हो जाएगी। अगर हम 1/4 वाट का दिया हो और 10 किलो ओम इसकी कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर हो, तो इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग क्या हो जाएगी, 1/4 इंटू 10 के पावर 4 इक्वल टू 50 वोल्ट, यानी क्या हो जाएगी इसकी 50 वोल्ट इसकी मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग हो जाएगी। रेटिंग बता दिए, अब हमें जानना है प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो ताप टेम्परेचर में परिवर्तन यानी कि ताप में परिवर्तन होने पर प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा। पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव धनात्मक ताप गुणांक का अर्थ है कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोधक का मान बढ़ेगा। पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा यानी कि धनात्मक गुणांक होगा, धनात्मक अगर इसकी गुणांक होगी तो प्रतिरोधक का मान बढ़ेगा तथा ताप घटने पर प्रतिरोधक का मान घटेगा। लेकिन अगर निगेटिव होगी, अगर निगेटिव होगी यानी ऋणात्मक पावर रेटिंग होगी, तो इसका मतलब अर्थ है कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोधक का मान घटेगा और ताप रोक दिए। पॉजिटिव धनात्मक अगर होगी तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोधक का मान बढ़ेगा और ताप घटने पर प्रतिरोधक का मान घटेगा। लेकिन अगर ऋणात्मक पावर रेटिंग होगी तो इसका अर्थ होता है कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटता है और ताप घटने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ये होती है प्रतिरोध का ताप गुणांक, इसे प्रति डिग्री सेल्सियस में इंडिकेट करते हैं, इसे प्रति डिग्री सेल्सियस के द्वारा दिखाते हैं। जैसे उदाहरण में किसी प्रतिरोध का ताप गुणांक अगर 0.33% हो, किसी प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.33% हो, तो इसका
उसका प्रतिरोध एक डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान, अगर इसकी एक डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का जो मान होगा 0.3% प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो ये हो गया आपकी प्रतिरोध का ताप गुणांक। प्रतिरोध के ताप गुणांक क्या होती है? अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बोलेंगे, फिर मैं उसको दोबारा से रिवाइज करा दूंगा। ठीक, आज के लिए इतनी क्लासेस, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।